तरफ जहां पर विधानसभा की कार्यवाही जारी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा, और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पे वो खड़े उतरे, कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए। याद कीजिएगा, मेरा छोटा भाई चेतन जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको दे करके जिताने का काम, और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चल रहा है, नया टीम बनाना है, नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया। नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है, और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ हैं। और नीलम जी, जो आप महिला हैं, आपने जोर ने ले लिया, हम स्वागत करते हैं। शांति 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 शांति, बस दो मिनट हम कंक्लूड करेंगे। नीलम जी आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं, बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। और एक काम और मुख्यमंत्री जी, हमने फाइल कर दिया था, आगे भी बढ़ा दिया था, विजय बाबू देख लेंगे, देखते ही रह रहे हैं, अभी तक फैलवा करवाई भी नहीं के कैबिनेट में, तो जीविका लोगों का तो आशा दीदी लोग का मानदेय वाला करवा दीजिएगा, आशा मांगता। हम लोग के सरकार में हम लोग सबका राय बना था, जिसमें जितने आप लोग सब लोग मीटिंग में थे, सब लेफ्ट के पार्टी सब नेता को आप बुलाए थे, इसमें आपका भी निर्णय था, हम नहीं मना कर रहे, आपका काम किया है उस पर हम उंगली नहीं उठा रहे, आपने काम किया, मानदेय बढ़ाया, हम लोग का भी साथ रहा, हमने भी बोला कि भाई ये कर रहे हैं, ये भी कीजिए, जो जितना मुंह था उतना हम कहते थे, इज्जत सम्मान से, ठीक है ठीक, अपने मुंह से ज्यादा हम नहीं कहते थे। तो हम तो एक चीज और, शांति शांति शांति, अब हम कंक्लूड करेंगे, बस अब आप लोगों की सरकार बनी है, आप लोगों की जो सरकार बनी है, हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है, हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन नीति को आप लोग जरूर लागू कराइएगा। सम्राट जी, इधर उधर सिद्धार्थ जी को ना भेजा जाए, सिद्धार्थ जी का मत सुनिएगा, ओल्ड पेंशन नीति आप करवाइए, क्रेडिट हम आपको देंगे, ओल्ड पेंशन। और अब तो विजेंद्र जी को जब भी देखते हैं तो हमको केंद्र का योजना में कितना घटौती कर दिया बिहार के लिए, वही याद आता है, केंद्र का नहीं किया, वो किया, जब के बोलो ये किया वो किया, तो ये सब ठीक है, लेकिन अब क्या इस पे जाए। अब मुख्यमंत्री जी तो आग बबूला हो जाते थे कैबिनेट में, कोई भी प्रस्ताव में अगर केंद्र का जितना भी अंश था, शेयर था, अगर केंद्र का नाम आया तो भाव उसको फाइल हटाओ, कौन लिख दिया हटाओ, केंद्र कोई मदद नहीं करता है। तो आप जरूर मुख्यमंत्री जी जो है, केंद्र जो पैसा दे, हमको पता है कि कहां दे रहा है बिहार को, लेकिन कुछो देता है तो वो मोदी जी के पॉकेट का नहीं है, बिहार के लोगों का है, वो जरूर लीजिएगा, इसमें कोई नहीं। आज जिसको भी स्वास्थ्य मंत्री बनाइएगा, प्रत्यय अमृत जी से पूछ लीजिएगा, एक कार्ड बनता ना जिसका मोदी जी प्रचार करते हैं, बिहार का भी वैसे ही योजना हम लोग लाए हैं कि जो मजदूर बाहर रहेंगे उनका 5 लाख तक का जो है तुरंत, अब क्या होता, पहले रिवर्स होता था, इलाज करा लो तो
पैसा अपना दो, फिर बाद में पैसा भर जाते रहो। इसमें क्या पहले ही पैसा इमिडिएटली जो है मिल जाएगा। ये सब काम करा दीजिए। बाकी डबल इंजन की सरकार हो गई है आप लोगों की, तो हमको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी से आप मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी। लेकिन विशेष पैकेज नाम देकर के अंदर गुब्बारा नहीं होना चाहिए, और कम से कम विशेष राज का तो दर्जा दे दे। हम लोग तो निकलने वाले थे ना कि बिहार को विशेष राज का दर्जा मिलेगा। चलिए आप नहीं कीजिएगा, अब तो आप पे तो सब लोग कब्जा न कर लिया है, उसको हम ही आगे हम लोग लड़ेंगे, काम करेंगे।